Hey students, what's up? कैसे हो? I hope you all are fine. Let's start our today's class of Divine Public School, class 10th science. We started our first chapter number 1, food and human health. Food and human health को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा what is nutrition. भाई अपन सब digestion के बारे में पढ़ चुके हैं class 9 के अंदर. Now what is nutrition? न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ एसेंशियल फूड एलिमेंट्स जो काफ़ी माइक्रो लेवल के होते हैं, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स. सो डेफिनेशन होगी इसकी, अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग रिसीव द एसेंशियल फूड फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ. आप लोग डेफिनेशन को साथ में नोट डाउन करते चलिए. अगली बात आती है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिशन के लिए जो एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एक्सेट्रा. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? सब्सटेंस दैट आर नेसेसरी टू कीप ए लिविंग थिंग अलाइव एंड ग्रो आर कॉल्ड अस न्यूट्रिएंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बैलेंस डाइट? संतुलित भोजन. क्या होता है बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, जैसे फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, रफेज, वाटर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट? डाइट विच कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, रफेज एंड वाटर. अगर किसी भी एक कंपोनेंट की कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए देन द डाइट इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड डाइट. सो राइट द डेफिनेशन ऑफ अनबैलेंस्ड डाइट: shortage or unavailability of any nutrients in the diet. What is malnutrition? Malnutrition का मतलब होता है कुपोषण. या तो लंबे टाइम तक हमारी डाइट अनबैलेंस रहे, हमें एसेंशियल कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हो उसके अंदर, या फिर हम कुछ ज़्यादा ही एसेंशियल कंपोनेंट्स खा रहे हैं, शॉर्टेज और एक्सेस, जिसकी वजह से बॉडी पे बुरा असर पड़ने लग जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है malnutrition. For example, shortage or excess of any nutrients for a long time, this leads to physical and mental harm. This term is known as malnutrition, yani kuposhan. I hope आप malnutrition और कुपोषण के बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे. Now, what is the disadvantage of malnutrition? इस malnutrition का हमारी life पे क्या disadvantage है? एक ही disadvantage आपको याद रखना है हमारे syllabus के according. वो है मेंटल और फिजिकल डेबिलिटी, मानसिक और शारीरिक दुर्बलता. नाउ नेक्स्ट टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन. मैलन्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? वैसे तो जिस भी एसेंशियल न्यूट्रिशन की कमी होती है, न्यूट्रिएंट की कमी होती है, वही मैलन्यूट्रिशन का टाइप होता है. सो दे आर मेनी टाइप्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन, बट आवर कोर्स सजेस्ट्स ओनली 3 टाइप्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन, लाइक विटामिन मैलन्यूट्रिशन, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन एंड मिनरल मॉल न्यूट्रिशन. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ मेल न्यूट्रिशन, विटामिन मेल न्यूट्रिशन. शॉर्टेज ऑफ वन और मोर विटामिन इज टर्म्ड एज विटामिन मेल न्यूट्रिशन. एक या एक से ज़्यादा विटामिन की कमी होना विटामिन मेल न्यूट्रिशन कहलाता है. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन मेल न्यूट्रिशन? ये काफ़ी टाइप का होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड हमें ओनली 6 के ऊपर फोकस करना है, 5 to 6 के ऊपर आई थिंक. सो रेटिनॉल विच इज नोन एज विटामिन ए. रेटिनॉल से हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको कहा जाता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस. इस बीमारी के अंदर जो आपका विजन होता है आँखों का, वो कमज़ोर हो जाता है और आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता, रात में आप लोग अंधे हो जाते हो. सेकेंड नंबर पर आता है आयमिन, विच इज नोन एज विटामिन B1. विटामिन B1 से हमें होता है जो डिजीज, उसका नाम है बेरी बेरी. इस बीमारी के अंदर मसल्स वीक हो जाते हैं और हमारी हार्ट बीट लो हो जाती है. थर्ड विटामिन है विटामिन B2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन. इससे जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है राइबोफ्लेविनोसिस. राइबोफ्लेविनोसिस के अंदर हमारा माउथ और लिप्स की जो स्किन है वो फट जाती है, स्किन रप्चर हो जाता है वहाँ पे, और हमें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लो होता है. इसके बाद जो विटामिन आता है
जिसका नाम है नियासिन विटामिन B3। इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है पेलेग्रा। इसके अंदर हमारी जुबान पे लाल रंग के चकते रेड ग्लोटिसिस बन जाते हैं, जुबान में सूजन आ जाती है। इसके बाद जो विटामिन है वो है विटामिन सी। इसकी डेफिशिएंसी से हमें होता है स्कर्वी। स्कर्वी के अंदर हमारे मसलों से खून आने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं गम ब्लीडिंग, और स्किन रेशेस त्वचा पे चकते पड़ने लग जाते हैं। और लास्ट में आता है कैल्सिफिलोन विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसके अंदर हमारे हाथ पांव की हड्डियां मुड़ जाती है, घुटनों के बीच में गैप कम हो जाता है।